क्या बना रही हूँ? हाय एवरीवन, वेलकम टू चंदा दी रसोई। तो आज हमारे किचन में देखिए मैं बना रही हूँ स्नैक्स बना रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा ठेकवा बना रही हूँ। अभी मेरा बेटा ऑफिस गया है तो आज बना दे रही हूँ, क्योंकि 3 दिन हम लोग की, 2 दिन तो फेस्टिवल रहेगा, आप लोग को तो पता ही है। इस बार भी जीतिया का नाटक शुरू है, छाव करे या साथ करे, बट मैं तो छेको कर रही हूँ। बहुत लोगों से मैं पूछी हूँ, सारे लोग छेको कर रहे हैं। देखिए मैं कितना चीज मंगाई, देखिए यहाँ बैंगलोर में कितना सुंदर साग मिलता है। मैं देखिए बहुत खुश हो गई, आप देख सकते हो ये पोए का साग मैं मंगवाई हूँ, देखिए कितना मस्त मिला है। देखिए मैदा, और अभी तीज था तो हमारे यहाँ तो तीज होता नहीं है। मैं बहुत देर से सोच रही थी बना दूंगी, मैं आज फ्री थी तो कही कि चलो आज बना ही डालू। पत्ता का क्या करूँ? पत्ता का बनेगा झोर, केराव का झोर। तो मेरा पूरा थाली वाला वीडियो डाल, मेरा फ्रेंड पूरी थाली की वीडियो डाली हुई है यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई में, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी मैं बनाई थी जितिया थाली का, मैं फास्टिंग में ही बनाई थी लास्ट ईयर। तो एक ही थाली क्या बनाऊँ, तो देखिए ठेकुआ बन चुका है। और नेक्स्ट मैं देखिए ये खास्तेदार आटे से मैं बना रही हूँ, इसमें थोड़ी सी मैं सूजी भी डाल दी हूँ और थोड़ी सी घी, मंगरेल, जमाइन सारे कुछ डाल के गर्म पानी से मैं इसका एक डो तैयार की और देखिए इसे डाल दे रही हूँ। और इसे आप जब भी डालें तो सीम पे डालें, टू टू मीडियम, और तब डालें। बहुत क्रिस्पी, बहुत यमी ये आपका नमकीन बन के तैयार होगा। देखिए मैं एक पर एक इसे करते गई हूँ और 4-5 फोल्ड करके 4 बार इसे काट के, और हाथ से ही, बेले मत इसे, और तब आप कट करें। क्वाई कट में काट के इसे डालिए। बन गया सर। या तो गाइस ये देखिए मैं पारन के लिए ये केराव, किसी केराव में पटना से मंगाई हूँ अपनी फ्रेंड से। ये देखिए उन्होंने भेजा किसी केराव साग। तो ये हमारा आज बुध वेडनेसडे स्पेशल ब्लॉग है जिसमें मैं स्नैक्स बना रही थी। मुझे भूख, इनको भी भूख लगी हुई थी, तो मैं कहीं चलो बनाते। तो ये चाट मसाला, और आप जब इसे डालें तो घर में ही डालें। ये देखिए चाट मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, काला नमक सब डाल दी हूँ, और सारे को आप अच्छे से अपने हाथों से ही, ये देखिए कितना खास्तेदार बना है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना मस्त बना है, आप देख सकते हैं। तो ये आज हमारा ब्लॉग था, मिनी ब्लॉग, में बैठी हुई थी तो सोचे कि चलो एक ब्लॉग बना लूँ, ब्लॉग बनाने में मज़ा तो आता ही। और ये देखिए ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, मैदा और सूजी से। मैं तीज, हमारे यहाँ तीज होता नहीं है, तो मैं सोच रही थी बना दूँगी, तो आज बना ही डाली इसे भी। तो अगर आपको हमारी आज की ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई, दुआओं में याद कीजिएगा। और फिर मिलते हैं, अब मैं ब्लॉग लेके ही आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो चलिए हैप्पी जीतिया एडवांस आप लोग को दे रही हूँ। भगवान आपके बच्चों की रक्षा करे, आपकी रक्षा करे, आपके पति की रक्षा करे, और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।